दिनेश जी, आपके साथ किस तरीके से घटनाएं घटी है और अभी तक क्या आप किस तरह की कार्रवाई हो पाई है? बताना चाहूँगा मैं कि 13 जुलाई 2020 को मेरे साथ चाकू से वार होता है। वार्ड ऑफ नगर रहता है वो लड़का, भगवान दास नाम का। वो 12 बजे जा करके दरवाज़ा खुलवा करके खटखटा करके गाली गलौज देते हुए, जैसे हम एक फैमिली बाहर निकलते हैं, सीने में चाकू से वार कर देता है। मैं फेंका जाता हूँ, फैमिली वाले लेकर के वार्ड ऑफ नगर चिकित्सालय लाते हैं। लेकिन इतना क्रिटिकल मामला था, चूँकि फेफड़ा फट गया था मेरा, तो यहाँ से रिफ़र कर दिया। जीवन ज्योति में मैं ICU में था और लगभग 1 महीने तक मैं वहाँ एडमिट रहा, वहाँ से ट्रीटमेंट चला। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस पर उसको पकड़ करके लाया गया था, क्योंकि उसको फैमिली वाले पकड़ लिए थे, तो रात में ही लाए। 14 जुलाई को उस पर धराएं लग गई थी, 307 लग गया था। लेकिन उसके बाद 14 जुलाई के 24 दिनों बाद फिर उसके तरफ से मेरे फैमिली में, माँ बाबूजी के अलावा भाई भैया भाभी के ऊपर काउंटर केस करवा दिया गया है। 307 हमारे फैमिली पे भी लगा दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेडिकल दोबारा जांच हो, और उसमें छेड़छाड़ किया गया है साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, कुछ लोगों की संलिप्तता इसमें है। और पूरी तरह से अगर जाँच होगी तो हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। तो हुआ है उसमें शारदा पटेल और गमा पटेल का नाम है, चूँकि शारदा पटेल पंचायत चुनाव में मुझे धमकी दिए थे और जान से मारने की धमकी मिली थी। और उसके बाद घटना के बाद उसके अपराधी जो मुझे मारा था जी, उसके माँ बाप को संरक्षण दे रहे हैं, और जो आज साजिशें रची गई हैं मेरे अगेंस्ट, उसमें उन लोगों का हाथ है। और मारने आने से पहले, जिस रात को मारने आ रहा था मुझे, उस रात को गमा पटेल से फ़ोन पर बताया था वो कि मैं दिलेश को मारने जा रहा हूँ, तो ये जानकारी देना। इसलिए मैंने आवेदन में लिखा हुआ है कि ये दोनों का कॉल डिटेल निकलवा करके ये कंफर्म कराया जाए कि वास्तव में किन किन से बात हुई और क्यों हुई है। अपराधी से अगर बात इन दोनों ने किया है तो आखिर क्यों किया है? तो दिनेश जी, आपके परिवार में कितने लोगों पर धराएं लगी हैं? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरा भाई है, माँ बाबू जी और एक प्रिया भाभी हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं। वो चूँकि घटना के समय थे, तो हमारे पक्ष में गवाही न दे दें, इसलिए इस तरह से शादी बताया गया है। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है, इसके लिए मैं SDO PHC को निर्देशित